एक ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक आईपीएल का एक भी मैच ना खेला और अभी से ही आईपीएल 2022 सीजन से पहले ही इतनी चर्चा में है, मैं बात कर रहा हूँ तिलक वर्मा की, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद के बैट्समैन हैं और जो कि वो हैदराबाद से हैं तो जाहिर सी बात है कलाई का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि हैदराबाद के सारे प्लेयर जो अब तक निकले हैं, चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण हो, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, कलाई के बेहतरीन फनकार थे, वो कलाई का बेहतरीन फ्लिक शॉट में बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। और यही नहीं कि जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं महिला जयवर्धने, उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ कही, उन्होंने इनकी तारीफ में कहा कि जो तिलक है वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और जो कि वो कलाई का जो बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी है इनके टैलेंट की बात करने में। और अगर हम इनके आगे बात करें आईपीएल ऑक्शन में तो बहुत सारी टीम्स इनको लेने में इंटरेस्टेड थी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद हो गई या राजस्थान रॉयल्स हो गई, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और ये 19 साल के सिर्फ जो 19 साल का हैदराबाद का लड़का है उसको 1.7 करोड़ में खरीद लिया। तो अब इनके डोमेस्टिक सीजन की बात करें, जो 2021-22 का जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी उसमें इन्होंने 215 रन बनाए 147.26 के स्ट्राइक रेट से, और विजय हजारे ट्रॉफी में भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 391 रन बनाए इन्होंने 97.26 के स्ट्राइक रेट से। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि इतनी चर्चा में है तिलक वर्मा, तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में अगर जब वो जगह बना लेते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस में अभी 3 नंबर पर कोई ऐसा बैट्समैन मुंबई इंडियंस नहीं ढूंढ पाई है जो कि ढंग अच्छा परफॉर्म करे। अगर तिलक वर्मा को वो जगह मिलती है परफॉर्म करने की 3 नंबर पर, तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी से मुंबई इंडियंस उनकी इतनी तारीफ कर रही है तो देखने वाली बात ये होगी कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम पे। अभी तक इस वीडियो में इतना ही, और इंडियन स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।